तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एडिशन ऑफ स्टार्टअप न्यूज़। और आज भी है मेरे पास आपके लिए कुछ खबरें। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिएगा। मेरे को पता लगा है कि 90% ऑफ ऑडियंस मेरी बिना सब्सक्राइब किए देखती है, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलते हैं हम न्यूज़ की तरफ। तो सबसे पहली न्यूज़ आ रही है ओला की तरफ से। ओला ने 1400 एम्प्लॉयज़ को पिंक स्लिप थमा दी है, यानी उन्होंने 1400 एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया है। कंपनी का जो मतलब कि रेवेन्यू था, वो कह रहे थे 95% डाउन है पिछले 2 महीने में। मतलब 2 महीने का रेवेन्यू 95% डाउन है, ऑब्वियसली क्योंकि कैब इतनी नहीं चली और क्या कहते हैं उतना बिजनेस नहीं हो पाया। ये अक्रॉस द प्लेटफॉर्म है, जो उनके चाहे उनका क्लाउड किचन हो चाहे उनकी अदर सर्विसेज हो, पूरे अक्रॉस द चैनल में ये रहा है 95% डाउन रहा है उनका बिजनेस। और अब भी धीरे धीरे खुल रहा है, बट उन्होंने मतलब हार्श डिसीजन लेते हुए 1400 एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ किया है। बट उन्हें प्रॉमिस किया है कि उनकी 3 महीने की सैलरी उन्हें देंगे एज अ मतलब कि जो भी कह सकते हैं उनको, एज अ सहायता, एज अ मतलब प्रॉमिस, एज अ कुछ भी कह सकते हैं आप इसे। तो 3 महीने की सैलरी उन्हें मिलेगी और 1400 एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया गया है ओला ने। तो अगली न्यूज़ आ रही है फेसबुक से। फेसबुक क्या करने वाला है, फेसबुक अब आपको ऑप्शन देगा अपना एक ऑनलाइन स्टोर खोलने का। फॉर एग्जांपल आपका एक फेसबुक पेज था तो उसमें शॉप नाउ करने की मतलब कि पहले तो रीडायरेक्ट हो जाता कहीं और, अब फेसबुक में ही आप लिस्ट कर पाएंगे। ये बहुत जल्दी प्रोडक्ट आने वाला है उनका। और फेसबुक ही नहीं, इंस्टा, व्हाट्सएप, सब अक्रॉस द प्लेटफॉर्म आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। नहीं आपको वेबसाइट की जरूरत, ना ही कुछ, आप फेसबुक पेज के थ्रू या फेसबुक प्रोफाइल या इंस्टा प्रोफाइल के थ्रू प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं और वहाँ पर वहीं आप उसको बेच भी सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा मतलब रोल आउट होएगा अगर फेसबुक जल्द से जल्द लेके आता है, क्योंकि जो जिस तरीके की सिचुएशन है अभी तो ऑनलाइन डिलीवरी और या ऑनलाइन सेल ज़्यादा या ऑनलाइन डिलीवरी बढ़ने की चांसेस हैं। तो बहुत अच्छा स्टेप्स है और गूगल भी बहुत जल्दी इसी प्रोडक्ट पे काम कर रहा है और वो भी बहुत जल्दी लॉन्च करने वाला है सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट जो फेसबुक अभी लॉन्च करने वाला है। अगली न्यूज़ आ रही है खाता बुक ऐप की तरफ से। खाता बुक ने रेज किया 60 मिलियन डॉलर फ्रॉम बी कैपिटल, जो कि फेसबुक के जो को फाउंडर थे उनकी वेंचर कैपिटल फर्म है। साथ ही साथ उनके जो एंजल इन्वेस्टर सेक्वा कैपिटल थी, सब ने मतलब कि कंट्रीब्यूट किया है 60 मिलियन डॉलर्स में। तो उन्होंने रेज किया है न्यू फंडिंग और इनको किस लिए चाहिए थी, क्योंकि ये कह रहे थे कि जो इस टाइम की पोजीशन है वो एमएसएमईज के साथ टाई अप करके और अपना बिजनेस बढ़ाने वाले हैं। और साथ ही साथ इनकी वैल्यूएशन होने वाली हो गई है, मतलब जो 60 मिलियन डॉलर मिले हैं उसकी वैल्यूएशन तकरीबन 300 मिलियन डॉलर पहुंच गई है। इनकी वैल्यूएशन 275 मिलियन डॉलर से लेकर 300 मिलियन डॉलर तक इनकी वैल्यूएशन का अनुमान लगाया जा रहा है। तो इन्होंने रेज किया है ये फंडिंग और भी बहुत सारे स्टार्टअप्स रेज कर रहे हैं पैसे। मैं उनकी अपडेट आपको धीरे धीरे अगली वीडियोज़ में देता रहूँगा, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में इतना ही था, अगर आपके कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कीजिए, साथ ही साथ मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर मेरे को फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं चलता हूँ, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग ऑफ फॉर द डे, टेक केयर।